लगा है लुबान का धुआं और जल गई मोमबत्तियां और सिमर भी हंसते हंसते यहाँ बैठ गई है। ये देखकर बहुत ही रोमांटिक माहौल लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये तो जादू टोने वाला माहौल है। देविका ने अमर की मदद से सिमर को पाताल लोक पहुंचाने के लिए ये जादू का जाल बिछाया है। हाँ भाई, पाताली देवी के जादू को खत्म करने के लिए देविका का जादू हो रहा है, और ऐसे ऐसे मंत्र वो बोल रही है कि खुद देविका को भी समझ में नहीं आ रहे होंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी नमस्ते। ओम जयंती मंगला। जब से मेरा ट्रैक चालू हुआ है तब से मैं ऐसे संस्कृत के जो मंत्र है वो पढ़ती जाती हूँ, वो ज्यादातर हो रहा है। फनी थिंग सुनो, फनी मंत्र है, कुरु कुरु मंगलमयी पुरु पुरु स्वाहा। तो ये थे देविका के खुद के बनाए हुए कुछ मंत्र। देविका ने अपने जादू से सिमर को पत्थर की मूरत बना दिया है, जो बिल्कुल भी सिमर जैसी नहीं दिखती, लेकिन हाँ, उसमें से सिमर की आत्मा निकलकर अब पाताल लोक की सैर के लिए जरूर निकल चुकी है। हकीकत की दुनिया से दूर ये सीरियल बहुत पहले ही काले जादू की शैतानी दुनिया में फंस चुका है और जनता को भी फंसा रहा है। अंधश्रद्धा का ये जाल कहाँ जाकर रुकेगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, सिमर की ये यात्रा फिलहाल तो पाताल लोक ही है, जहाँ पाताली देवी को खत्म करने वो जा रही है। अभी तक तो मैं गया हुआ था देविका का सच पता करने, क्योंकि मुझे इन पे शक था, लेकिन क्योंकि ये मेरे शक की कसौटी पे खरी उतरी हैं, मतलब ये अच्छी निकली हैं। मैं सिमर दीदी की आत्मा को उनके शरीर से निकाल रही हूँ और जिस आत्मा के साथ वो पाताल लोक में जाएंगी। सीरियल शुरू हुआ था दो बहनों की कहानी से, उन्हें एक ही ससुराल में होने वाली मुश्किलों की दास्तां से, और अब देखिए कैसी कैसी भयानक मुश्किलों से गुजर रही है सीरियल की ये बहु। खतरनाक कल्पना की ये घोड़े अब तो रुकने ही चाहिए। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।